नमस्कार, दिनभर की हर खबर से आपको करने खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। नागरिकता को लेकर पूरे देश में इतना बवाल हो रहा है, मोदी सरकार के राजनीतिक विरोधी आक्रामक हैं। वो अभी तक CAA और NRC के विरोध में ही उलझे हुए थे कि उन्हें सरकार ने एक नया मोर्चा दे दिया, और ये नया मोर्चा है NPR का, यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का, जिस पर आज मोदी सरकार की कैबिनेट ने भी मोहर लगा दी और करीब 3900 करोड़ रुपए का बजट भी जारी कर दिया। NPR का काम उस मेगा एक्सरसाइज के साथ ही होगा जो हर 10 साल में भारत में होती है, और ये मेगा एक्सरसाइज है देश की जनगणना की। करीब 30 लाख लोग जनगणना और NPR के काम में लगेंगे, जिसके लिए 12,000 करोड़ से ज्यादा के बजट को पास कर दिया गया है। 2020 में अप्रैल से सितंबर के बीच इस प्रक्रिया के पहले चरण का काम होगा, जिसमें हर घर और हर व्यक्ति की लिस्ट बनाई जाएगी। पहली बार डेटा कलेक्शन के लिए ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा। पहली बार आम लोग अपनी जानकारी ऐप और ऑनलाइन माध्यम से भी दे सकेंगे। दूसरे चरण में फरवरी 2021 में काम होगा, जिसके बाद जनगणना के आंकड़े जारी किए जाएंगे और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को अप टू डेट किया जाएगा। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर क्या है, इसका आइडिया कहां से आया और इसे क्यों सरकार जरूरी मानती है, यह सब हम आपको एक एक करके बताते हैं। यह रजिस्टर एक डेटाबेस है जिसमें उन सभी के नाम होंगे जो भारत में कहीं पर भी रह रहे हैं, यानी यह देश के हर निवासी की जानकारी को एक जगह इकट्ठा करने का काम है। यह रजिस्टर 2021 के लिए हो रही जनगणना के साथ साथ तैयार किया जा रहा है। इस रजिस्टर में सिर्फ असम नहीं होगा, जहां अभी हाल में NRC कंप्लीट हुआ, 1200 गांव, 40 शहरों और कस्बों में NPR का पायलट प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है। अब अप्रैल 2020 से NPR पर पूरी तरह से काम शुरू होगा और सितंबर 2020 तक पूरा हो जाएगा। अब आपको बताते हैं कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के लिए होगा क्या, आपको क्या करना होगा। 1955 के नागरिकता कानून और 2003 के नियम के अनुसार NPR में नाम दर्ज करवाना जरूरी है। NPR में हर किसी को 15 अलग अलग तरह की व्यक्तिगत जानकारियां देनी है। इसमें अपना नाम, पता, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, जन्म स्थान, नागरिकता जैसी जानकारियां, इसके अलावा व्यवसाय, पढ़ाई लिखाई, बताए पते पर निवास अवधि, स्थायी निवास का पता जैसी जानकारियां देनी है। इन जानकारियों को नोट करने के बाद उनकी रसीद भी दी जाती है। यहां आपको बता दें कि NPR हर 10 साल में होने वाली जनगणना है से थोड़ी सी अलग है, क्योंकि NPR में 15 बेसिक जानकारियां ली जाएंगी, जबकि जनगणना में 29 जानकारियां विस्तृत रूप से ली जाएंगी। NPR का डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं होता, उसे हर नागरिक के लिए पासवर्ड के जरिए प्रोटेक्ट किया जाता है। अब भले ही सरकार ने जनगणना के साथ NPR पर भी आधिकारिक तौर पर मुहर लगा दी है, जनगणना के लिए 8,754 करोड़ रुपए और NPR के लिए 3,941 करोड़ रुपए का अलग बजट आवंटित कर दिया है, लेकिन जो लोग और जो नेता नागरिकता कानून और संभावित NRC का विरोध कर रहे हैं, वो NPR को भी NRC के ही चश्मे से देख रहे हैं। इसमें ममता बनर्जी और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं का प्रमुख तौर पर नाम है। ओवैसी तो तब से NPR को NRC से जोड़ रहे हैं जब से CAA और NRC को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले हैदराबाद की रैली में क्या कहा था, वो आपको सुनाते हैं। एक प्रकाश जावड़ेकर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है, बयान दिए कल कि जिसके पास आधार कार्ड है उसको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। प्रकाश जावड़ेकर साहब समझते हैं कि हमारे कान में फूल लगा है, आपको लगा होगा, मगर आधार एक्ट का सेक्शन 9, जिसका अमान ने मुझे बताया कि सेक्शन 9 साफ तौर से कहता है कि जिसके पास आधार कार्ड है वो हिंदुस्तान की सिटीजनशिप को देता नहीं है। बर्थ सर्टिफिकेट अगर मुतालबा करेंगे आपसे, पासपोर्ट की बात करेंगे, आपको मालूम कितने पासपोर्ट हैं पूरे भारत में, सिर्फ भारत के 120 करोड़ जनता के पास 4% लोगों के पास पासपोर्ट है, ओनली 4%। अब कल से शायद शुरू हो जाएगा कि अरे भाई ओएसी ने कहा चलो पासपोर्ट बना लेंगे, नंबर 4% लोगों के पास पासपोर्ट है। अप्रैल 2020 में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर हो रही है, NRC शुरू होगा,
बल्कि एनआरसी शुरू हो चुका है, एनआरसी शुरू हो चुका है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर शुरुआत है एनआरसी की, और उसमें सवालात हैं, कितने बच्चे हैं, कितने घर में रहते, कितने के पास पासपोर्ट है, कितनों के पास बर्थ सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है, और जो शख्स वेरीफाई करेगा वो कहेगा कि मैं इससे मुतमईन हूं या नहीं हूं, उसके अख्तियार में रहेगा कि लिख देगा कि मुझे इस पर शक है, डाउटफुल है। तो जब एनआरसी शुरू होगी वो डाउटफुल को फंस जाएगा। वो अब ये नई राजनीति एनपीआर पर चल पड़ी है। बहरहाल सीएए पर स्पष्टीकरण देने के लिए गृहमंत्री जरा देर से आए, लेकिन इस मामले पर गृहमंत्री अमित शाह स्पष्टीकरण के लिए सामने आए ताकि कोई भ्रम न फैल पाए। अमित शाह ने क्या कहा वो हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एनपीआर और एनआरसी के बीच बुनियादी अंतर को समझ लीजिए। एनपीआर में भारत में रहने वाले हर व्यक्ति की जानकारी होगी, फिर चाहे वो नागरिक हो या नागरिक न हो। एनआरसी में सिर्फ उन्हीं लोगों के नाम होंगे जिनकी पहचान भारत के नागरिक के तौर पर होगी। एनपीआर में हर व्यक्ति को सिर्फ अपनी जानकारी देनी है, कोई दस्तावेज नहीं देना है। एनआरसी में नागरिकता से संबंधित बनाए गए नियमों के अनुसार दस्तावेज देने होते हैं, जैसे असम में हुआ। एनपीआर में लोगों द्वारा दी गई जानकारी को बिना किसी पुष्टि के सही माना जाता है, इससे नागरिकता के दावे की पुष्टि नहीं होती है। एनआरसी में नागरिकता के दावे की पुष्टि करने के बाद ही नागरिक के तौर पर नाम आता है, वही असली नागरिक माने जाते हैं। लेकिन इस बुनियादी अंतर के बाद भी एनपीआर को एनआरसी से ही जोड़ा जा रहा है, और बीजेपी के राजनीतिक विरोधी इसे एनआरसी का ही पहला कदम बता रहे हैं। जिस तरह से नागरिकता कानून और एनआरसी को लेकर कई तरह की अफवाहें चली, उससे मुस्लिम समुदाय में डर फैला, कई जगहों पर बड़ी हिंसा हुई, इसीलिए एनपीआर को लेकर सरकार पहले से ही सचेत है। और कैबिनेट के फैसले के बाद शाम होते होते गृह मंत्री अमित शाह सामने आए, उन्होंने एनपीआर पर सरकार का पक्ष रखा। मैं पहले यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि एनपीआर का कोई भी डेटा एनआरसी के उपयोग में आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये अलग प्रक्रियाएं हैं, और उसमें नागरिक से अपने नागरिक होने के लिए कुछ दस्तावेज मांगे जाते हैं और कुछ प्रक्रिया जो असम में हुई है अभी। इसके अंदर देश के अंदर रहने वाला हर कोई व्यक्ति अपनी स्वतः की इच्छा से एक ऐप के अंदर भरकर भेजेगा, कोई सपोर्ट डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगा। गुजरात का सूरत शहर है, ढेर सारे वहां ओडिशा से, यूपी से, बिहार से लोग आकर बसे हैं, रोजी रोटी के लिए बसे, परिवार के साथ भी बसे हैं। अब जब एनपीआर के माध्यम से ये मालूम नहीं पड़ेगा कि कितने ओडिया बच्चे यहां रहते हैं, तो ओडिया भाषा की प्राथमिक शालाएं वहां कितनी खोली जाएगी, आप मुझे बताइए, कैसे सरकार तय करेगी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कैसे तय करेगा, हिंदी भाषी स्कूल्स कितनी खोली जाएगी वो कैसे तय करेंगे, क्योंकि गुजरात में प्राइमरी एजुकेशन गुजराती में है ऑब्वियसली। इस प्रकार के पर्पस के लिए ये जनगणना मतलब सेंसेस और एनपीआर दोनों का उपयोग होता है। 2015 में पायलट लेवल पर अपडेट किया था, एक 10 साल में की जाने वाली प्रक्रिया है। 10 साल में देश में जनसंख्या के रहने में बहुत बड़ा उथल पुथल होता है, जनगणना भी 10 साल में होती है, ये भी 2010 में यूपीए ने यही एक्सरसाइज करी है, किसी ने सवाल नहीं उठाया। वो करते हैं तो सारी निर्दोष चीजें, हम करते हैं तो प्रॉब्लम है। मुझे तो समझ भी नहीं आता किस प्रकार की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में भी किसी को नागरिक, किसी की भी नागरिकता लेने का कोई प्रोविजन भी ही नहीं है, कोई मुझे समझा दे क्या है। ये नागरिकता देने का प्रोविजन है, तो इस देश के जितने भी वासी माइनॉरिटी वाले हैं, मुसलमान हैं, उनको कोई किसी को डरने की जरूरत नहीं। और जहां तक आपने सवाल किया कि समय अनुकूल नहीं है, मैं बताता हूं, इसका नोटिफिकेशन एनपीआर का भारत सरकार ने 31/7/19 को कर दिया था, जब सीएए आया ही नहीं था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो आया वो तो अभी अभी आया, उस वक्त आया ही नहीं था, उसकी फाइल भी शुरू नहीं हुई थी नए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की। उस वक्त 31/7/2009 को इसको नोटिफाइड कर दिया गया था, ये एक्सरसाइज को, और बहुत सारे राज्यों ने, लगभग सभी राज्यों ने कर दिया है नोटिफाइड।
क्योंकि सीएए के लिए अब जनता के मन में से भय दूर हो गया है, इसलिए कुछ लोग अब एनपीआर का भय खड़ा करना चाहते हैं। मैं आज भी आपके कार्यक्रम के माध्यम से दोनों मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूं कि मेरा विनम्र निवेदन है कि इस प्रकार का कदम न उठाएं, वो इस पर पुनः विचार करें। ये बंगाल की और केरल की गरीब जनता के कल्याण के लिए बनाए जाने वाले कार्यक्रमों का बेस है, आधार है। कृपया आप पॉलिटिक्स के लिए ये गरीब जनता को डेवलपमेंटल प्रोग्राम के बाहर मत रखिए, इनको जोड़ दीजिए। और मैं फिर से एक बार स्पष्ट करना चाहता हूं सुमिता जी कि इससे नेशनल एनआरसी का कोई लेन देन नहीं है, कोई अफवाह फैलाई जा रही है। वैसे ये सच है कि एनपीआर पर पहली बार 2010 में काम शुरू हुआ था, उस समय यूपीए 2 की सरकार थी, गृह मंत्री पी चिदंबरम थे। 2010 में एनपीआर के लिए लोगों से जानकारियां जुटाई गई थी और ये 2011 की जनगणना के साथ साथ हुआ था। ये अप्रैल 2010 का वीडियो है जब जनगणना और एनपीआर के काम की शुरुआत खुद तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल से शुरू की गई थी। तब आधार कार्ड प्रोजेक्ट को पीछे रखकर योजनाओं के सही अमल के लिए एनपीआर को बेहतर बताया गया था। मोदी सरकार आने के बाद एनपीआर के तहत आने वाली जानकारी को 2015 में डोर टू डोर सर्वे करके फिर अपडेट किया गया था। तब इसमें पहले की जानकारियों के अलावा मोबाइल नंबर, पैन, आधार नंबर और पासपोर्ट की जानकारी मांगी गई थी। लेकिन इसके बाद एनपीआर को पीछे रखकर मोदी सरकार ने आधार कार्ड के सहारे योजनाओं पर अमल किया। हालांकि फिर से एनपीआर के आइडिया को 2021 की जनगणना के साथ लाया गया। अब जब एनपीआर को एनआरसी से जोड़ने वाली राजनीति हो रही है तो सरकार यही कह रही है कि यह तो 2010 में शुरू हो चुका था। तब एनपीआर पर क्या कहा गया था यह भी आप जरा देख लीजिए। इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इसे सफल बनाएं, ये हमारे देश के हित में है, जरूरी है और आपके हित में और आपके लिए भी बहुत जरूरी है। इट इज द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री दैट वी आर बिगिनिंग टू आइडेंटिफाई, काउंट, एन्यूमरेट, रिकॉर्ड एंड इवेंचुअली इश्यू अ आइडेंटिटी कार्ड to 120 crore people. An exercise of this kind has not been attempted anywhere else in the world. Once the national population register is, the database is completed, we would then be issuing the unique identity number to each one of the usual residents. आज अमित शाह ने एनआरसी को लेकर उस कंफ्यूजन का भी जवाब दिया जिसमें एक तरफ अमित शाह लगातार कहते रहे हैं कि एनआरसी आने वाला है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा था कि एनआरसी पर अब तक कोई चर्चा ही नहीं हुई है, फिर उनके नाम पर इतना बवाल क्यों। अमित शाह से जब पीएम की इस बात पर सवाल किया गया तो उनका क्या जवाब था वो भी आपको सुना देते हैं। जो एनआरसी है, बहुत से चैनल्स ने आपके पूर्व भाषण एयर किए हैं जिसमें आपने कहा कि एनआरसी लागू होगा पूरे देश में, लेकिन प्रधानमंत्री जी के भाषण से ऐसे लगा कि देयर इज अ रीथिंक आपकी पार्टी में और ये आपके मैनिफेस्टो में है लेकिन आप शायद लागू नहीं करेंगे। देखिए, इस पर अभी इसलिए चर्चा करने की जरूरत नहीं क्योंकि एनआरसी अभी कहीं विचार में ही नहीं है। प्रधानमंत्री ने ठीक कहा है कि ना कैबिनेट में चर्चा हुई, ना पार्लियामेंट में एनआरसी ये एक्ट में किसी ने कहा है। मेरी पार्टी का घोषणा पत्र अपनी जगह पे है और जब होगा तब थोड़ी ना छिप कर होगा, ये एक्सरसाइज ऐसी नहीं होती। सर, इसीलिए तो कंफ्यूजन होता है ना कि संडे को प्रधानमंत्री कहते हैं कि एनआरसी नहीं होगा और ट्यूसडे को आप एनपीआर ले आते हैं, तो इसलिए कंफ्यूजन न करिए कि एनपीआर और एनआरसी के बीच में कोई संबंध ही नहीं है। क्या इसमें ये संडे को प्राइम मिनिस्टर ने जो भाषण किया उसके पहले 31/7/2019 को इसका नोटिफिकेशन निकला, इसका मतलब है कि कैबिनेट के हमारी फाइल का निर्णय वगैरह तो छठे महीने में हो चुके थे। केरला और वेस्ट बंगाल ने तो मना कर दिया, अब क्या कर, अगर और राज्यों में होगा तो नहीं, हम संवाद करेंगे, समझाएंगे सबको।
19 दिसंबर को मैंगलोर में नागरिकता कानून का विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस की फायरिंग में दो लोगों की मौत हो गई थी। इस पर मृतकों के परिवार वालों ने मैंगलोर पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए और पुलिस पर प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाकर फायरिंग के आरोप लगाए थे। लेकिन ये उस घटना का सिर्फ एक पक्ष है। दूसरा पक्ष तब सामने आया जब मैंगलोर पुलिस ने उस दिन की हिंसा के कुछ सीसीटीवी वीडियो जारी किए और दावा किया कि मैंगलोर में नागरिकता कानून के खिलाफ हिंसा एक सोची समझी साजिश का नतीजा था। मैंगलोर पुलिस के अनुसार उपद्रवी पुलिस थाने को लूटने की पूरी तैयारी के साथ आए थे। सीसीटीवी वीडियोज मैंगलोर हिंसा के सच से पूरी तरह पर्दा उठा देने वाले। तारीख 19 दिसंबर 2019, वक्त शाम 4:45। पत्थरों की बोरियों से भरा एक टेम्पो सड़क पर आकर रुकता है। कुछ लड़के पत्थरबाजी कर रहे होते हैं, तभी एक लड़का टेम्पो से एक बोरी सड़क पर गिराता है और बोरी में भरे पत्थर सड़क पर बिखर जाते। फिर पत्थर उठाकर प्रदर्शनकारी पत्थरबाजी शुरू रखते हैं। 19 दिसंबर 2019, वक्त शाम 3:45। सड़क पर पत्थरबाजी हो रही है, तभी कुछ प्रदर्शनकारी आते हैं और किनारे पड़े लोहे के खंभे और रॉड से रास्ता रोक देते हैं। तभी वहां पुलिस की एक बस पहुंचती है, रास्ता ब्लॉक होने पर रुकती है। दूर से भीड़ बस पर पत्थरबाजी करती है। इसके बाद एक लड़का सीसीटीवी पर पत्थर मारता है। थोड़ी देर बाद कुछ लड़के एक रेहड़ी को लाते हैं और उसे बीच सड़क पर गिरा देते हैं। तारीख 19 दिसंबर 2019, वक्त शाम 3:37। सड़क पर पत्थरबाजी हो रही है, मुंह पर काला कपड़ा बांधे एक लड़का डंडा लेकर आता है और सीसीटीवी कैमरे को तोड़ने की कोशिश करता है। इसके बाद एक और लड़का घर के अंदर घुसता है और सीसीटीवी कैमरे का एंगल बिगाड़ देता है। ये तीनों सीसीटीवी फुटेज 19 दिसंबर को मैंगलोर में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के दौरान की है। टेम्पो में भरकर पत्थर आना, पुलिस बस का रास्ता ब्लॉक करके पथराव करना और सीसीटीवी कैमरों को तोड़ना। मैंगलोर पुलिस का दावा है कि 19 दिसंबर की हिंसा एक सोची समझी साजिश का नतीजा थी। It is very glaringly, very clear that it was a pre-planned violence which has been taken place, and the mob was ready with all kind of ammunitions like stones, petrol bombs and others, and therefore it was a more of an organized violence which was never happened in Karnataka, and the way they covered the faces and all, we can see a usual wear happened. And then he wears the cover. So therefore, these are all very well planned. मैंगलोर पुलिस के मुताबिक उपद्रवी भीड़ मैंगलोर में बुंदेर पुलिस स्टेशन में घुसकर वहां रखे हथियार लूटना चाहती थी। मैंगलोर पुलिस के मुताबिक उस दिन करीब 5,000 प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को टारगेट किया था और पुलिस स्टेशन की बैक साइड में एक लाइसेंस्ड गन शॉप को भी लूटने की नाकाम कोशिश की थी। इस वक्त हम मौजूद हैं नॉर्थ पुलिस स्टेशन के बाहर, इसे बंदर पुलिस स्टेशन भी कहते हैं। अब 19 तारीख को 3 से 3:30 बजे के बीच में इस पुलिस स्टेशन को अटैक करने की पूरी प्लानिंग होती है। इस पुलिस स्टेशन के बाहर को रोड को देखिए, ये है अजीजुद्दीन रोड और ऐसे ही और 3 रोड है, यानी कि टोटल 4 रोड है जो इस पुलिस स्टेशन का एंट्री पॉइंट है। पहले तो इन चारों रोड्स को जो मॉब है वो पूरी तरीके से ब्लॉक कर देता है। अब मेरे इस तरफ देखे, ये अजीजुद्दीन रोड है, उस तरफ में एक शॉप है, गन शॉप है, जो लाइसेंस शॉप है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वेपन्स और एम्यूनिशंस रखे हुए थे। वो जो मॉब थी वो इस शॉप तक पहुंच चुकी थी और उसमें तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया था। साथ ही जो बंदर पुलिस स्टेशन है उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा वेपन्स और एम्यूनिशंस थे और बार बार जो मॉब है वो पास आते जा रही थी, तो पुलिस को बहुत ज़्यादा डर था कि अगर ये मॉब ये गन शॉप या पुलिस स्टेशन के अंदर घुस गए तो ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है। मैंगलोर पुलिस का दावा है कि जिस वक्त ये हिंसा हुई उस वक्त थाने में सरकारी राइफल्स, पिस्टल और 2,000 से ज्यादा गोलियां रखी हुई थी। पुलिस ने जो सीसीटीवी फुटेज जारी किया उसमें दिख रहा है कि हजारों प्रदर्शनकारियों ने थाने की तरफ जाने वाले रास्ते को ब्लॉक कर दिया था। यहां तक कि उस वक्त थाने में तैनात पुलिस वालों की मदद के लिए जो अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए उसकी बस को भीड़ ने थाने तक पहुंचने नहीं दिया। मैंगलोर पुलिस का दावा है कि उसने अपनी आत्मरक्षा में गोलियां चलाई जिसमें 2 प्रदर्शनकारी 49 साल के जलील और 23 साल के नौशीन की मौत हो गई, जो उस वक्त पुलिस थाने पर हमला करने वाली भीड़ का हिस्सा थे।
Here, from morning, they started throwing stones. And from morning, they tried to burn. They used petrol, this thing. They had poured the petrol on the roads. And all the more, they wanted to break an armory shop where 40 guns were there. And more than 2,000 bullets were there. 3,000 bullets were there. What would have happened if this all these guns were in their hands? So it was a situation, very alarming situation. And it would have been a totally out of control situation. Therefore, police have acted rightly. Bangalore police ne 19 December ko hinsa mein 60 se zyada upadravyon ki pehchan karke giraftar kiya hai. Halanki Karnataka sarkar ne is mamle ki nyayik jaanch ki mang ko kharij kar diya hai. Saurav Aktania, Bangalore, Aaj Tak. नागरिकता कानून के विरोध के नाम पर हो रही हिंसा परेशान करने वाली है। दूसरी तरफ हिंसा में मारे गए लोगों को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुई हिंसा के दौरान मारे गए लोगों के परिवार से आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा मिलने जाना चाहते थे, लेकिन यूपी पुलिस ने उन्हें मेरठ में घुसने नहीं दिया। हालांकि राहुल प्रियंका ने फोन पर उन लोगों से बात करके माहौल बनाने का मौका नहीं गंवाया। कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को यूपी के मेरठ में घुसने से पहले पुलिस का मिला ये नो सिग्नल था। राहुल और प्रियंका दिल्ली से मेरठ के लिए निकले थे। उन्हें मिलना था उन लोगों के परिवार वालों से जो नागरिकता कानून के उपद्रव में मारे गए। मेरठ की सीमा से पहले जब पुलिस ने राहुल और प्रियंका को रोका तो राहुल भड़क गए। प्रियंका ने भी यूपी पुलिस के इस रवैये पर नाराजगी जताई, लेकिन धारा 144 लागू होने की दलील देकर पुलिस टस से मस नहीं हुई। कम से कम बताइए, कम से कम कहाँ चलें? पूरी हम लोग साथ में चलेंगे। आप किस अथॉरिटी से आप रिसीव कर रहे हो? नहीं, आप अपना नाम पदनाम सब लिखिए ना। बोलिए, कोई परेशानी की बात नहीं। हाँ, हम लोग आपके साथ। जनता से दूर करने की कवायद नहीं है सर। जो दंगा हुआ है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? जो दंगा हुआ है मेरठ में, 5 मौतें हुई है सर। 5 मौतों पे तो कुछ कहना चाहेंगे? 5 मौत मेरठ में, आंदोलन 6 मर गए। राहुल और प्रियंका मेरठ जाने को लेकर पुलिस से उलझते जरूर दिखे, लेकिन राजनीति का पैंतरा शायद पहले से तैयार था। इधर मीडिया का कैमरा राहुल प्रियंका के मेरठ में घुसने पर पाबंदी को दिखा रहा था, तो उधर मेरठ में मीडिया की मौजूदगी में मारे गए लोगों के परिवार वालों के बीच कांग्रेस नेता इमरान मसूद पहले से तैयार थे। प्रियंका ने फोन पर इमरान मसूद के जरिए मारे गए लोगों के घर वालों से बात की। मेरठ में बीते शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद जमकर हिंसा हुई थी। नागरिकता कानून के विरोध के नाम पर उपद्रवियों ने उत्पात मचाया था। इसी हिंसा के दौरान 4 लोगों की मौत हुई थी। कांग्रेस नागरिकता कानून पर विरोध को लोगों का आक्रोश बता रही है और राजघाट पर शक्ति प्रदर्शन कर चुकी है, लेकिन बीजेपी नागरिकता कानून के विरोधियों पर अफवाह फैलाने का आरोप लगा रही है। दिल्ली से संजय शर्मा और आनंद पटेल के साथ उस्मान चौधरी, मेरठ, आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।